पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। शीतलहर और सर्दी में लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि कड़ाके की ठंड की वजह से शहरों में दुकानें सुबह देरी से खुलती हैं और शाम होते ही बंद हो जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कपा देने वाली ठंड से जहां कुछ लोग घर में ही छिपकर बैठे हैं, तो वहीं छोटे छोटे कामकाज करने वाले भी लकड़ियां जलाकर आग का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार पिछली बार से भी अधिक सर्दी है, ऐसे में अलाव का सहारा ही इन्हें बचा रहा है। शीतलहर से हर कोई प्रभावित है। शीतलहर के साथ साथ सर्दी ने भी मानो रिकॉर्ड तोड़ दिए हो। धूप भी कम ही नजर आ रही है। शीतलहर से दिन भर लोग ठिठुर रहे हैं। अधिकतम 15 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री तक तापमान है। इतनी ज्यादा लकड़ियां अब आग जलाते हैं तब जाके राहत मिलती है। यहाँ खड़े खड़े बहुत ठंड लगती है। अब की बार तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, पिछली बार से भी बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रखा है और हम आग लगा के लोग बैठे हुए हैं, फिर भी किस तरह बैठे हैं हमें पता है। देखिए ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है, पिछली बार से बहुत ज्यादा। शीतलहर के बाद सड़कें भी सूनी सी नजर आती हैं। सुबह दुकानें लेट खुलती हैं और शाम को सर्दी का प्रकोप शुरू होते ही जल्दी बाजार बंद हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि सर्दी का ये सितम और कितना कहर ढाएगा। फिलहाल शीतलहर और सर्दी ने सबकी तौबा करवा रखी है। मौसम के सालम को देखकर हर कोई यही कह रहा है, उफ ये सर्दी। राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।